हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रॉब्लम नंबर 9.29 की, जो रे ऑप्टिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक करेक्शन बता दूं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ गया है कि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 9 है, जो कि गलत है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 10 है दोस्तों, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट 9 पे है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। मतलब यहाँ पे एक एरर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स है। तो आइए प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं। एक शीट दी हुई है, जो शीट है वो स्क्वायर के फॉर्म में है और उसका एरिया जो है आपको दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक स्क्वायर शीट है और स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो दोनों इक्वल होती है, और एरिया आपको दिया गया है 1 mm स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इज 1 mm स्क्वायर, मतलब जो लेंथ है वो आ जाएगी 1 mm, मतलब ये भी 1 mm है, ये भी 1 mm है। अब अगर सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को, ये स्क्वायर शीट है दोस्तों, उसको मैं दो अलग ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहा हूं, अभी आप भूल जाइए कि स्क्वायर शीट है, ये समझिए कि ये भी 1 mm का एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे खड़ा है, और दूसरा 1 mm का ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है। मतलब मैं कुछ ऐसे बात कर रहा हूं कि सपोज ये लेंस है, सपोज ये जो पेन है वो लेंस है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट की जो दूरी है लेंस से वो तो सेम है, मतलब जो दोनों के लिए इमेज डिस्टेंस आएगी वो भी सेम आएगी, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यू भी सेम रहेगा और वी भी सेम रहेगा। इसी हिसाब से अगर आप इसको स्क्वायर मानिए तो चार ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो चारों चार ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उनका यू है वो सेम है, तो मतलब उनका वी भी सेम रहेगा, और वी अगर सेम है तो वी बाय यू भी सेम आएगा, मैग्निफिकेशन भी सेम आएगा। मतलब अगर आप इसकी इमेज 3 गुना बढ़ती है तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जो स्क्वायर है, अगर आप इसको स्क्वायर मानते हो तो ये एल है, ये भी एल है, तो ये अगर 3L टाइम्स बड़ा हो रहा है तो ये भी 3L टाइम्स बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो इमेज है स्क्वायर की वो 9 गुनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, तो ये भी 3 गुना बढ़ रही है, ये भी 3 गुना बढ़ रही है, मतलब एरिया 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट एच ओ मान लूँ, तो ये भी तो एच ओ ही है, क्योंकि स्क्वायर की दोनों साइड सेम होती है और दोनों के लिए यू सेम है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं तो इमेज बढ़ेगी, साइज में बढ़ेगी, और इसको मैं एच आई बोलूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है, हमें बड़ी इमेज मिलेगी। तो उसी हिसाब से ये भी जो है उसकी भी हाइट सेम ही रहेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों वो वी बाई यू होता है, और दोनों के लिए यू सेम है तो दोनों के लिए वी भी सेम आएगा। अगर आप कैलकुलेट करें 1/f = 1/v - 1/u से, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए u सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए f सेम है, तो v भी दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, u आपको दिया गया है, तो आइए हम इसको सॉल्व करें। 1/f (1/v - 1/u) लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाली है, और फोकल लेंथ जो होती है ये लेंस की वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। दैट शुड बी इक्वल टू 1/v - 1/u, जो है वो माइनस है, क्योंकि यहाँ से रेज ऐसे निकलेंगी और आप ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो u है उसको मैं -9 ले लूँगा, तो ये आएगा 1/10 - 1/9 = 1/v। तो इसको अगर आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v = -90 cm। मतलब इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल होगी, क्यों, क्योंकि वो सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है, माइनस मतलब यहाँ पे बन रही है, अरे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का वो 90 cm है, ये जो डिस्टेंस था वो 9 cm दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें वी भी मिल गया है, यू भी मिल गया है, तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मैंने वी और यू की वैल्यू रखी हुई है, वी जो है वो -90 है और यू जो है वो -9 है, मतलब मैग्निफिकेशन प्लस आएगा।
मैग्निफिकेशन जो है वो 10 गुना है, उसका मतलब जो इमेज है वो 10 गुनी बढ़ गई है। मतलब ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो हमें 1 mm दिया गया था, यहाँ पे जो स्क्वायर था उसकी जो लेंथ थी इसको आप स्क्वायर ही मान सकते हैं दोस्तों ऐसे, तो यहाँ भी आपके पास एक बड़ा सा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये 10 था, ये 1 mm था तो ये 10 mm हो जाएगा, और ये भी 1 mm था तो ये भी 10 mm हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो इमेज है उसका एरिया, एरिया ऑफ द इमेज वो जो है 10 mm इंटू 10 mm, मतलब आ जाएगा 100 mm स्क्वायर। ये आपका जो पहला आंसर है, देखिए मैग्निफिकेशन भी हमने निकाल लिया है, 10 आ गया है और एरिया ऑफ द इमेज भी आ गया है हमारे पास। अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे दोस्तों। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है, या मैग्नीफाइंग पावर आप इसको बोलिए, वो होता है डी बाई यू। डी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो यू है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 25/9 यह आएगा 2.8। तो आप देख लीजिए इसको कि एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर है वो मैग्निफिकेशन से अलग है, और मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखी है दोस्तों, उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दोनों तभी सेम होते हैं जब फाइनल इमेज डी पे हो तब। मतलब ये जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे हो तभी ये दोनों टर्म्स इक्वल आएंगी। ठीक है दोस्तों, मैंने लिंक डाल रखी है, आप देख लीजिए। थैंक यू।